तीन महीने में आपके हाथ में जॉब होगी 50,000 रुपए से कम नहीं होती। लेकिन उसके लिए संघर्ष सामना करना पड़ेगा। बिना संघर्ष कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जिंदगी में कुछ नहीं। एक तो भाई सुन ना प्लीज, बिना संघर्ष के इस दुनिया में जिंदगी में कुछ भी को नहीं। और जो इस चीज में समझ लेगा, इन तीन महीने की वैल्यू समझ लेगा, गारंटी दो जिंदगी का अगले 30 साल जमा काट से कटाने। एक नंबर की बहू आओगी, सुपरा ब्याह होगा, इनकी चिंता कोई मन में रहने ब्याह के ले जाएगा कोई ना कोई, सिर्फ तारी चिंता है मन। इस चिंता ने दूर करने मतलब बेटा 50,000 नौकरी भी है, 50,000 रिश्ते हैं, और सारे नौके नो जितने आ जा रहे हैं सबका रिश्ता होगा। लेकिन वो वक्त का सी रह के मेहनत करोगे, सीटी करवाओगे रिश्ता करोगे मेहनत करोगे मेहनत। देखो मौका चूक से नहीं आदमी पीछे जोड़ा बोलेगा, सिर्फ मौका हो इंसान वो चूक के नहीं आदमी कभी कोई काम नहीं करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात है 2014 की, 2014 के अंदर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता, उसकी राजधानी है कलकत्ता के अंदर, मैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करने का काम करता हूँ। स्लीपवेल का नाम आपने सुना होगा, मैट्रेस गद्दे वगैरह बनाती है, उसकी मदर कंपनी थी। अब वो काम करते करते क्या काम करेगा, मतलब ठीक है अपना काम चल रहा था, लेकिन वो बंगालिया मरगा हो गया था। हरियाणा तो देखो, हरियाणा है इस प्रदेश की और किसी से बनी हो सकती, जो चीज हमारा हरियाणा में जो स्वाद सारी चीज और किसी भी प्रदेश में बनाओ, यह वास्तविकता। तीन चार दुनिया के देश घूम के देख लिया, भारत के लगभग स्टेट घूम के देख लिया, लेकिन पूरा वर्गा इस धरती पर का मजा नहीं किसी भी दुनिया में अपना। करते करते के गुजरात के अंदर कमला बहेवाल जो थी गुजरात के राज्यपाल हुआ करती उस टाइम पर, और कमला बहेवाल ने क्या गुजरात के अंदर एक सेमिनार करवा रखा था, उसके अंदर जो लीडिंग कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको आना था और आके अपना लेक्चर देना था वहां अपने जैसे। उसका जो टॉपिक का लेक्चर का होता सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य, मतलब जो कंपनी है समाज में क्या काम कर सके इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना था। मेरी कंपनी के जो ओनर जो थे वो चाइना गए हुए थे, कम से कम उनको आने में 10 दिन का टाइम लगता। तब उन्होंने मेरे को रिकमेंड करके कह दिया कि आप जाओ अहमदाबाद के अंदर जाके अपने कंपनी की तरफ से लेक्चर देना है। अब उन्होंने क्या किया, 3 पेज का मेरे को इंग्लिश में लिख के दे दिया, भैया उन्होंने बोल दिया कोट पैंट टाई टू ले दी, और अपना हरियाणा वो दिक्कत तो वन चीज ज्यादा जमा कोट पैंट टाई टू पहले का 3 पेज का इंग्लिश आ पहली बात तो भाई इंग्लिश में जमा गरीब का सो मैं क्या पास हो गया जमा 10वीं प्लस 2 में जमा अंग्रेजी को नहीं आती थी। वो 3 पेज पढ़ने बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मैं जानपुर में जिसार का छात्र रहा हूँ, आदरणीय रणवीर सिंह हुड्डा, मैं उनको बिल्कुल पिता की तरह मानता हूँ। मैं उनके पास फोन कर रहा हूँ, सर इस बस गया यो टॉपिक है अंग्रेजी बोलना, बोले इसने पैर के बगा दिया, मैंने पैर के फेंक दिया, और फेंकने के बाद तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें बताई, एक और आदरणीय पुनिया सर उन्होंने कुछ चीजें बताई, वो मैंने ऐड करके। और उसके बाद जब भाषण देने की बारी आई, गुजरात के राज्यपाल तत्कालीन कमला बहेवाल पास में बैठी हुई है, मैं सिंपल तरीके से जींस और टी शर्ट के मेरे पास उसी तरीके से लेक्चर देने गया। जितने भी और वक्ता थे वो अपने कोई कहीं बाहर ना चला जाओ, वो सारे पेज ले रहे, पेज में देखते के बोला मैं सोचा क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी का 15वां 16वां नंबर पर नाम आ गया था, फायदा था वो लिखने ऊपर का। अब वहां लेक्चर दिया, अब वहां एक दिल्ली की एक लड़की है, दिल्ली की कंपनी में जॉब करती, इसका नाम है दिव्या अग्रवाल। वो दिव्या अग्रवाल हर बार फर्स्ट आती है, इतना गजब का लेक्चर देती है उस सेमिनार के अंदर, आई बार फर्स्ट आ करो। मैंने जैसे तैसे करके अपना भाषण खत्म कर दिया, भाषण देकर बैठ गया। जब विनर घोषित करने की बारी आई, सबसे पहले एक बंदे का नाम आ गया, राजकोट का एक बंदा था, तीसरे नंबर पर उसका आ गया, दूसरे नंबर पर फिर नाम आ गया दिव्या अग्रवाल का, मैं वैसे का नाम आ गया, फिर दो काटते हुए तीसरे ही तो करो तो लगातार 3 साल तक टोपर लग रही ऑर्डर, मतलब सूट बूट में टाई टू पूरी होकर के मैं अपना सिंपल कपड़े पहन के भरना बैठ के बोला सिस्टम इस सौभाग्य से स्पाइस जेट की उसे फ्लाइट में उस ऑरेंज घटना उसने भी नहीं लिया। मेरी सीट 51 नंबर, उसकी सीट 127 नंबर, उसकी सीट थोड़ी घंटी बैठी थी, मैं जाके वाल्टी थोड़ी मैंने जगह दे देता हूँ, मेरे सीट पर बैठे मैंने बैठन दे सुरेंद्र ने आंटी तो गलत ना समझो मैंने बैठन दे बेटी उसके ना बात करी बात बात का नंबर बदल लिया उसने आपका नंबर दे दिया मैंने मेरा नंबर दे दिया
नंबर एक्सचेंज हो गया, उसने क्या किया, घबरा जा गया, मैं मारा गला पहुंच गया, हिसार जिले के बरवाड़ा केंद्र के अंदर काम पड़ता है, फोन आया उसका, बोली मैं ऐसा काम करना चाहते हो, एक काम कर दे, सिर्फ 50,000 रुपए दे दे। मैं 50 का क्या करेगी, बोला राजस्थान के अंदर जो सूर्य के जो प्रकाश है, जो उसके ऊपर बालो रहता है, मेरा आपका तक है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा तो उस समय बिजली बनाने का काम करूंगा। मैं अपनी छुट्टी पूरी करके पहुंच गया। उसके बाद में 2 साल बाद में घर आया, वापस से मैं जान लग गया तो बिहार के अंदर मुगल सराय रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां से मैंने एक मैगजीन खरीदी पढ़ने के लिए, आउटलुक, सुना नाम किसने, आउटलुक पत्रिका। जब उस पत्रिका के पेज को पढ़ते पढ़ते मैं बीच वाले पेज के ऊपर पहुंचा तो उस मैडम का पूरा फोटो, दिव्या अग्रवाल का, उसके बारे में लिखा गया कि एक युवा उद्यमी ने अपनी कंपनी को पहले साल ही 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर के ऊपर पहुंचा दिया, राजस्थान के रेत के किलो से बिजली बनाने का काम करके इतिहास रच दिया। दिक्कत मेरा वो पेज देखते होगी। मैंने फोन किया मैडम द्वारा, 3-4 घंटे मेरे ज्ञान था वो फोन, उसको पी ने खाया फोन, बोले भाई कैसे कर, क्यों तंग कर रहा है। मगर भाई तंग बोल कर ऐसी स्त्री मैं मैडम कट्ठे एक प्लाई कमाए थे, जब मैं दोनों दोनों बैठे थे, आज तो बैठा दो रहा, लेकिन कम से कम मेरी बात करवा दी। बोला तेरे कह दिया नहीं फोन काट दे, मगर कह दो मेरे पर कहला से फोन काट दिया, रात ने नींद को नहीं आवा। तो बात तुम लेकिन बेचैनी को मौका चुकना है, तुम्हें समझो मेरी बात में। आखिरी बच्चे 4-5 दिन पाछा जाके फोन पर उस बंदा ने बात करवाई सीधे, बोली तेरे तक एक मौका दिया था नहीं, मैंने मौका दिया था मेरी माँ को, मैंने मेरा तो जी कर रहा था, मेरा तो बना जी कर रहा था, नबली जिंदगी में एक मौका दिया था, एक फोन कहते रख के मैं तो फोन ना कर दिया, मैंने कहता हूँ नंबर डिलीट करके घर बैठ गया। अगर मैं सिर्फ 50,000 की बात थी उस टाइम पर, अगर मैं 50,000 रुपए लगा के उसके साथ कोई बिजनेस शुरू कर देता तो पता नहीं कहाँ चला जाता, और मैं वही बंगाल के अंदर 25-30 हजार के जॉब करता रहा, वही सकता रहा। वो तो अलग चीज है कि जिंदगी ने आज मेरे को अलग मौका दे दिया, आप जैसी मूर्तियों के दर्शन करने का इस महेंद्रगढ़ की पावन धरती के ऊपर मौका मिला है, वो अलग चीज है, वो अलग मेहनत है, लेकिन अगर मैं उस मौके को ना चूकता तो शायद मैं पता नहीं कहां होता, समझ रहे मेरी बात को। वो ही मौका आज आपके पास है। दुनिया का कोई भी मोटिवेशन स्पीकर कोई भी किसी ने बुला लो, चाहे मेरी मेरी बात को किसी ने बुला लो, आप 1-1.5 घंटा चार्ज रहोगे, 9 बजे वापस यूपीएससी का लिंक कर दूंगा करके, ओवरचार्ज डी ग्रुप का भी नहीं, पूरा जोश में जाओगे भर के। लेकिन वास्तव में अपना यदि किसी मोटिवेशन की किसी चीज की जरूरत है तो वो आपके माँ बाप का चेहरा, एक बार सुबह उठते आपके माँ बाप का चेहरा देख लेना, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं। वो इतनी उम्मीदों के साथ आपको यहां तक भेजते हैं। एक शख्स हुआ करता था 1910 के अंदर हंगरी के अंदर, एक व्यक्ति जन्मा था, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा तो शायद और किसी मोटिवेशन की आपको किसी को जरूरत नहीं रहेगी। एक इतना मौका है, इतना मौका है, पढ़ लो, नहीं तो आने वाले जो 4-5 महीने हैं या 5-7 साल उसके पास किमी कौन रहोगा, बुग्गी के ऊपर बैठा या बैठ के गाने गा होगा, चलते चलते यूरी रुक जाता हूं क्या यही प्यार है, बैठे बैठे यूरी को जाता हूं क्या यही प्यार है, एक बूढ़ा सुनकर बोले बेटा प्यार को नया कमजोर है, इसका इलाज करवा ले। वो लिया क्या अपना स्कोर लगा उसके अंदर, स्कोर देखो कितना हो गए, 100 में 40 बनाया, 70 बनाया, 80 बनाया, कितने बनाए, घबरा नहीं कदे घबरा चुके, और स्कोर देख के उसके बाद अपना नोमिना लग जाएगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम नंबर बनने लग रहे,
समझो वाली बात है, वो जितने ज्यादा कम नंबर बनाए उसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने का काम करो। बार बार जो बंदा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, हाँ एग्जाम में बैठने से पहले आपको हरियाणा का इतिहास बताता हूँ, लगभग 250 पेपर हो चुके हैं, सारे के सारे पेपर तो हम देखा है, कौनसा ग्रेजुएट के गलत दिया, एनालाइज करने का काम करा। हरियाणा एसआई का पेपर देखा होगा, दिया किसी से दिया था, सब इंस्पेक्टर का पेपर, मेल की बात मैं कर रहा हूँ, मेल का दिया होगा। एक चीज उठा के देखा मेरे कहने से, वो पेपर अब हुआ और एसआई से पहले उस महीने में लगातार पेपर हो जाएगा, आपने ध्यान दिया तो वो पेपर आप उठा के देखना सारे के सारे, लगभग आपको ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा 12 से 13 क्वेश्चन मौके में मिल जाओगे, बस स्टेटमेंट चेंज है थोड़ा सा, वो मान के 12-13 प्रश्न आपको मौके में मिल गए प्रीवियस ईयर में, आप देखोगे एसआई से पहले जिसने 12-13 का पैदा मिल गया, इतने में तो कौन सा बंदा बनेगा 12-13 नंबर का गैप रहोगे किसी का, अगर जब 12-13 नंबर का कट ऑफ तक गैप रहो फिर तो दूध बेचना फायदा और की मेहनत कर लो, जिसने दो दो तीन तीन साल तैयारी कर दल हो गए फिर भी 12-13 नंबर का गैप रहो कोई दम वाली बात। कहने का मतलब यह है एचएसएससी ने जितने प्रीवियस पेपर लिए हैं उन सबका मैं को लिख ले जाओ, मैथ रीजनिंग साइंस हिंदी इंग्लिश सारे चीज नुकी नु उसके अंदर से आप निकल जाओ, प्रीवियस पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट और प्लस आपकी सीटिंग, कंपनी भी आपकी डिपेंड करती है, लाइब्रेरी में बैठ के ये दो रकम बैठे हैं, समझो अपनी बात। अगर जो जिंदगी के 3-4 महीने है ना सब कुछ भूल के सिर्फ अपने माँ बाप की तरफ देख के आप लोग सिर्फ 3-4 महीने के अंदर जारी करोगे, ये जो फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया वगैरह इन्हें बंद कर दो, कुछ नहीं मिलता। खुद मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई वो कहता कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसने पूरी दुनिया को एक अंगूठा नाम की बीमारी देने का काम कर दिया। ताश खेला आपने देखा होगा, कहते ताश है 2 घंटे खेल के देख लियो ताश 3 घंटे की मैं नहीं करेगा कि मैं कौन करता, फेसबुक 3 घंटे चला के देख लियो कि मैं कौन करता, हाँ एक आधा की गलिया अच्छी किस्मत है उसका तो वैसे ही निकल जाओगे, बाकी चांस नहीं है। इन चीजों को सिर्फ सोशल मीडिया का यूज आप कितना ही करो जितना आपकी जरूरत है, जितने आपने जरूरत है उस तक आप ना छेड़ो, सिर्फ 4-5 महीने अपनी कंडीशन देख के मैं गारंटी दे रहा हूं, 2016 में भर्ती हुई थी नौकरी लगे पाचा डाले समाज में अपना रुतबा नहीं आपका इतना बढ़ जाएगा, जरा जरा नौकरी आ जाएगा, ड्यूटी कर रहे हैं घर आ जाएगा तो कच्चा होगा, वो पूरे पूछ के आने वाली 30-40 साल तो आपकी वो सुधरेंगे, आने वाली 3 पीढ़ियां भी आपकी सुधरेगी, एक नौकरी करना चाहिए 3 पीढ़ी सुधर जाओ। अजय वो मेरी बात मजाक में लेते हो हार करके उड़ाते उस चीज में देखो मेरे तो क्या नुकसान नुकसान था करोगे तैयारी आज आपको एक कसम देके जाता हूं, आपके आपके माँ बाप की कसम, आपके प्यार की कसम, या जिस चीज को आप मानते हो उसकी कसम की जिंदगी में कम से कम भी 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप क्या करेंगे परमात्मा करेगा कौन कौन मेरे साथ को मानेगा 8 से 10 घंटा पढ़ने का काम करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो नहीं सोना समझ जो नहीं कर रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार की तैयारी के अंदर अलग इंस्टीट्यूट जो है आपके बिल्कुल हर सब्जेक्ट के अंदर हर चीज में आपकी मदद करेगा, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी आपको हर मौके के ऊपर आपको खड़ा मिलूंगा, जहां आप मनदीप सर है मंजीत सर है या भी पुलिस सर है जो भी हमारे स्टाफ को पलट अकेडमी का जहां भी आपको जिस भी मोड़ पे इनकी जरूरत पड़ेगी आपको अग्रिम पंक्ति के अंदर ये लोग खड़े मिलेंगे, मेरी पंक्तियों के साथ आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूँ इतना स्वागत करने के लिए। मैं इसी वादे के साथ आपसे जा रहा हूं, अगली बार जब भी आप मेरे को मिलेंगे तो अधिकतर आप में से आपके हाथ में जोर होनी चाहिए, कोशिश करोगे।